नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये जो प्रश्न है जैसे कि एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, हालांकि यह प्रश्न यूपीपीसीएस नेट जीआरएफ एग्जाम के साथ साथ अन्य एग्जाम्स जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे, प्रश्न को 360 डिग्री समझने का कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ हमारा अपना प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। आशा करता हूं आप इस प्रश्न इस सभी वीडियोस को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में हम अपने इस पहले प्रश्न को आज के चालू करना शुरू करता हूं। देखिए जो ये पहला प्रश्न है वीडियो का, यह छठवां प्रश्न है वीडियो का नहीं, इस पीडीएफ का। इसमें मैं ऑलरेडी 5 प्रश्न करा चुका हूं, आप उसे जरूर एंजॉय किए होंगे, जरूर उसे कुछ सीखे होंगे। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, देखिए हम सॉल्व करने से पहले हम हर वीडियोज की तरफ से आज भी इसमें भी पहले हम इस प्रश्न के 360 डिग्री तथ्यों को समझने का कोशिश करेंगे, फिर अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके द्वारा ओरियन स्टडीज इन द एंटीविटी ऑफ वेदाज, ओरियन स्टडीज इन द एंटीविटी ऑफ वेदाज की रचना की गई, ओके, जिसमें उन्होंने इस मान्यता को प्रतिपादित किया कि वेद की रचना 4500 ईसा पूर्व में हुई थी। उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा लगाया। उन्होंने दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत का अस्वीकृत कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, हम इस प्रश्न के तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने स्टडीज इन द एंटीविटी ऑफ वेदाज की क्या की थी, रचना की थी, ठीक है, ये याद रखना है। इसकी रचना और इसकी रचना करने के लिए करने से पहले मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताऊँ, ये उस समय की समकालीन संस्कृत विद्वानों में से क्या थे, एक थे। उन्होंने तत्वमीमांसा, धर्म, खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान का गहन अध्ययन किया था और भी साहित्यिक गहन अध्ययन किया था। उस अध्ययन के आधार पे, फैक्ट के आधार पे उन्होंने स्टडीज इन द एंटीविटी ऑफ वेदाज रचना की। इसकी रचना करने के बाद इन्होंने विश्व में उसमें पाश्चात्य कंट्री के साथ साथ भारत में एक विद्वान की पहचान बनाई, विद्वान के रूप में अपने व्यक्तित्व को क्या बनाए, पहचान बनाया। देखिए इस जो प्रश्न का इम्पोर्टेंस है या इतना है कि मतलब इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया, जो ऋग्वेद है ना, जो भारत की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत से एक है, ठीक है, उसमें से यह क्या है, ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद की क्या की, इसकी रचना 4500 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी, किसकी, ऋग्वेद की रचना 4500 ईसा पूर्व हुई थी, इसका इन्होंने इस बुक में जिक्र किया है, ठीक है, जिक्र किया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब देखते हैं कि इन्होंने एक और बुक का लिखा था, ये तो पहला बुक हो गया। दूसरा बुक इन्होंने लिखा था वेदों का आर्कटिक ग्रीक, वेदों का आर्कटिक, वेदों का आर्कटिक गिरी, इस बुक की रचना उन्होंने तत्कालीन जो पुरातात्विक साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों के गहन अध्ययन के आधार पर वेदों का आर्कटिक गिरी की क्या कहते थे, रचना किए थे। और इसमें इन्होंने जो उसमें कहते ना आर्य आए थे, इससे पहले आर्य आए थे और वैदिक सभ्यता था ना, तो आर्यों ने वैदिक सभ्यता की क्या की थी, बात की थी, तो आर्य आए और वो आर्य कहाँ थे, आर्कटिक क्षेत्र से, किस क्षेत्र से आए, आर्य, इसमें आर्य के जिक्र की गई है, आर्य कहाँ से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से मतलब उत्तरी ध्रुव से आए हैं, आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से, इसका इन्होंने क्या किया था, जिक्र किया था, किसमें, वेदों का आर्कटिक ग्री, इस बुक में इन्होंने इसका जिक्र किया था। इनका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बुक है गीता रहस्य। ये देखिए उनका क्या है, तीसरा बुक है, देखिए इसमें उन्होंने गीता रहस्य में उन्होंने गीता के जो
महत्वपूर्ण है, जो उसकी महत्व है, उस महत्व को उजागर किया, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसे क्या किया, पुनर्व्याख्या किया, व्याख्या किया, सरल शब्दों में व्याख्या किया, पुनर्व्याख्या किया कि ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इस शुभ विचार से उसमें मन के से रिलेटेड क्या करें, लोग आत्मसात करें, आत्मसात करें मतलब अपने खुद को उसमें लोग अपनाएं, अपनाएं और समाज के क्या हो, उद्धार हो उससे। तो उन्होंने क्या किया था, पुनर्व्याख्या किया था गीता का। देखिए, और इसमें जो इसकी जो शिक्षाएं है ना, उसका दार्शनिक क्या कहते हैं, समीक्षा किया था, दार्शनिक समीक्षा किया था, उसमें जो शिक्षाएं इसकी हैं, और पुनर्व्याख्या तो किया ही था, साथ साथ जो त्याग की भावना है ना, लोग उस समय लोगों के अंदर क्या था कि अपने पारिवारिक कारणों से या फिर व्यक्तिगत कारणों से वो लोग त्याग दिया करते थे, सन्यासी बन जाया करते थे, तो उसका इन्होंने क्या किया था, विरोध करने के लिए, विरोध नहीं किया बोल सकते, लेकिन उसका खंडन किया और बोला कि त्याग की जगह हमें त्याग की वजह क्या करना चाहिए, कर्मयोग में कर्मयोग की भावना क्या कहती व्याख्या किए थे, कर्मयोग की भावना के उन्होंने क्या कहते बोले तो अपनाने के लिए इन्होंने जोर दिया था, तो कर्मयोग की भावना मतलब हम कर्म करते रहें और कर्म करते रहें, लोगों को मतलब से कुछ फायदा भी दिलवाते रहें, इसका इन्होंने क्या किया था, जिक्र किया था। तो इस कर्मयोग की भावना का क्या कहता पुनर्व्याख्या किया था। तो अब देखिए, तो ये हो गया इनके बुक से रिलेटेड, तीन बुक है, पहला बुक है स्टडीज इन द एंटीविटी ऑफ वेदाज की रचना की गई, दूसरा वेदों का आर्कटिग्री, तीसरा द रहस्य, ये तीन बुक है, तीनों का रचना उन्होंने किया था। अब हम चलते हैं इनके दूसरे कथन पे, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो इसकी भी रचना इन्होंने, इसकी जो नारा है इन्होंने ही दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, इन्होंने नारा दिया था। चलिए हम कुछ और इनके बारे में जिक्र करते हैं, तो ये नारा इन्होंने दिया था। अच्छा, इसमें स्वराज आया ना, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, ठीक है, इस तरह के जो स्व स्व शब्द आते हैं ना, ये स्व शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती थे ना एक, दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने ही एक वेदभाष्य भूमिका और वेद प्रकाश, तीन रचना किए थे ना, दयानंद सरस्वती, वेदभाष्य भूमिका, वेद प्रकाश और वेदभाष्य भूमिका, वेद प्रकाश, ठीक है, तीन बुक लिखे थे इन्होंने, ठीक है। उसमें इन्होंने स्व की भावना, इसकी स्व की भावना का जिक्र किया था, स्व, इसका मतलब यह हुआ, स्व मतलब अपना, अपना अपना ही होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, अपना होने का एक अलग ही आनंद है। इसी पे इन्होंने क्या कहा था, स्वदेश, स्वभावना, स्वराज्य, ठीक है, स्वभाषा, इसमें इन्होंने उसमें गर्व महसूस होता है। तो इसमें इन्होंने ये जो है दयानंद सरस्वती से ही जुड़ा जाता है, दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे, आर्य समाज के क्या थे, संस्थापक थे, आर्य समाज, आर्य समाज के क्या थे, संस्थापक थे, दयानंद सरस्वती। ये हम कुछ और बातें कर लेते हैं अपने अपने इस महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में। बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी, मराठा और केसरी दो पत्रिका इन्होंने जारी किया था, दो पत्रिका इन्होंने जारी किया था, कौन, मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व के बारे में और हम जिक्र करें तो ये स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़े रहे, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़े रहे और बहिष्कार का शिक्षा का और ठीक है कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे 1906 के अधिवेशन में, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, और 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, तो ये नरम दल और गर्म दल दो विभाजन हुआ था, जिसमें गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक थे। हम और आगे आए तो उन्होंने इसी समय इसमें जो शिवाजी की हत्या है, शिवाजी ने हत्या की थी ना का अफजल की, उसकी तुलना इन्होंने एक जो चापेकर बंधु ने 1999 में की थी, मिस्टर लैंड और एंस्ट की हत्या, उसकी तुलना उन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल की हत्या से तुलना कर दी थी, जिसके कारण इनको 6 साल की जेल हो गया था। उन्होंने इसी पत्रिका में की थी केसरी, मैं भूल रहा हूँ केसरी में की थी या मराठा में की थी,
आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसमें एक पत्रिका में, केसरी में या मराठा में, मुझे लग रहा है केसरी में ही, इस पत्रिका में, सॉरी मराठा में, इस पत्रिका में उन्होंने क्या कहता है उसका तुलना कर दिया था, जिससे वह जेल हो गया और 6 साल के लिए जेल चले गए। जब वहाँ से वॉल आउट के 1914 में आए तो उसमें प्रथम वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, ठीक। और उसी समय वो कब, 28 अगस्त, याद रखना ना, 28 अगस्त, 28 अगस्त 1916 को क्या कहते हैं होम रूल लीग की शुरुआत की, होम रूल आंदोलन, और इसी के कुछ महीने बाद एनी बेसेंट का आ जाएगा, कब, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था, बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए हम इस प्रश्न के और तीसरे कथन को भी देख लेते हैं। तीसरा कथन है, दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। इसके बारे में मैं बताना चाहूँ, जो दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन का सिद्धांत आया था यह 1996 में आया था, 1996 में, ठीक है, कब, 1996 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, कहाँ पे, कलकत्ता में, जिसकी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहीम तुल्ला शयानी, ये याद रखना ना, रहीम तुल्ला शयानी, इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी में दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसी अधिवेशन में, 1996 के 12वें अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में धन बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक और जान लेते हैं, धन बहिर्गमन सिद्धांत की जो सिद्धांत जो था इसका इन्होंने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया था, और इसी के आधार पे, इसी को एक आधार बनाते हुए इन्होंने ब्रिटिशर्स का क्या था, ब्रिटिशर्स का आलोचना किया था कि उन्होंने बोला कि जो आयात निर्यात भारत का जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जो विदेशों से आयात हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, और यहाँ का जो जो किसान वर्ग है, कृषि का क्या कर रहा है, कृषि का औद्योगिकरण हो रहा है। इससे पहले जो कृषि भारत में हुआ करता था वो उपभोग प्रधान था, मतलब यहाँ की जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं के आधार पे किसान अपनी फसल उगाते थे। परंतु ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने अपने इसमें जो उसमें लंदन में जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी, कच्चे माल को ध्यान में रखते हुए, निर्यात को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के जो कृषि का जो फसलें थी उनका अपने अनुसार औद्योगिकरण किया, नगदी में बदल दिया। अब यहाँ नगदी फसलें उगाने जाने लगी, जो यहाँ के खाने के थे, चावल, गेहूं, ज्वार, जो यहाँ का खुद का देसी था, उसकी जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, अब औद्योगिक फसलों का उजागर करना शुरू कर दिया और औद्योगिकरण कर दिया। अब किसान पैसों के लिए फसलें उगाया करते थे, क्या हुआ, अब यहाँ का जो कृषक वर्ग था अब अपने जरूरतों के अनुसार नहीं बल्कि जरूरतों का था फसल उगाने लगा, जिससे समय समय पर भूखमरी, अकाल आया करता था। यह एक ब्रिटिशर्स का ही देन था, इसका इन्होंने क्या किया, जिक्र किया, और इसी ये धन बहिर्गमन के सिद्धांत को एक मजबूती मिलता है, इसमें एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट के आधार पर उन्होंने ब्रिटिशर्स का क्या किया, आलोचना किया था। ओके, अब हम और आगे चलते हैं। तो जो बोला था ना कि यहाँ का औद्योगिकरण और विकास हो रहा है, उन सब के और आयात निर्यात ट्रेड के आधार पर यहाँ क्या होगा, विकास होगा, अगर भारत का विकास होगा, इसका भी इन्होंने क्या क्या खंडन किया, इसका भी इन्होंने खंडन किया कि धन बहिर्गमन के सिद्धांत को ही पॉइंट बनाते हुए इसका ब्रिटिशर्स की आलोचना की कि ऐसा कुछ नहीं है, बस अंदर ही अंदर देश क्या हो रहा है, खोखला होता जा रहा है, यहाँ के जो, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, खोखला होता जा रहा है। ओके, अब इसी के आधार पर एक जिक्र है, मैं अभी आगे जिक्र इसका करूँगा। तो हमने अब तक जितना डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के आधार पर इस प्रश्न को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदाश, इसकी तो रचना इन्होंने किया था, ये हो जाएगा सही हो जाएगा, इसकी रचना इन्होंने किया था, पहला सही हो जाएगा। दूसरा,
स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत का उन्होंने अस्वीकृत किया, नहीं, हमने अभी डिस्कशन किया है कि उन्होंने क्या क्या था, समर्थन किया था, हो जाएगा गलत हो जाएगा। एक चीज बताइए, अगर तीसरा गलत है, अगर दोनों हमें नहीं पता होता ना, केवल तीसरा मालूम चला जाता 100% गलत है, तो हम इस प्रश्न को आसानी से कर जाते हैं, जब 100% सही जवाब आता। देखिए तीसरा जो है दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, यानी कि तीनों नहीं होंगे, नहीं होंगे, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, सही जवाब सॉरी पहला हो जाएगा, तीसरा क्या है गलत है, तीसरा क्या है गलत है, तीसरा क्या है गलत है। ओके, तो ये तीसरा के आधार पे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ओके, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जो ये तीसरा पॉइंट है धन बहिर्गमन के सिद्धांत, इसके बारे में मैं एक तथ्य याद आ रहा है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। तथ्य यह है, ब्रिटिशर्स हैं जो जिनका नाम है जान सुरबिन, जान सुरबिन, उन्होंने एक कथन दिया था कि भारत का जो क्या है जो स्पंज है ना, ये क्या है एक ऐसी प्रणाली है जो ब्रिटिशर्स का एक ऐसा प्रणाली है उद्योग का, जिसके आधार पे जो यहाँ के जो बादल हैं वो गंगा के किनारे से अच्छी वस्तु यानी कि बारिश अच्छी वस्तुओं क्या करता है, अच्छी वस्तुओं को ले लेता है और यहाँ से ले जा करके टेम्स नदी के किनारे, लंदन में टेम्स नदी के किनारे उसको निचोड़ देता है, यानी कि हम उठाते हैं यहाँ से धन को और ले जाकर लंदन के किनारे गिराते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही हो गया कि धन निष्कासन नहीं है, हम यहाँ से लेते हैं और उसको लंदन में पहुँचा देते हैं। चलिए, जान सुरबिन का ये कथन है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इस कथन को डायरेक्टली एक बार पूछा भी गया है। हम चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न पे। देखिए ये हमारा अगला प्रश्न जो है, नीचे दिए गए परिच्छेद में स्वतंत्रता सेनानी का उल्लेख उन्होंने उत्तरी जा रहा है, लग रहा उतारा जा रहा है, ठीक है, एक सेनानी का उल्लेख किया जा रहा है, ठीक है, अमेरिका में बैंक, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ठीक है, अमेरिका में बैंकोवर से फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान नामक एक समाचार पत्र आरंभ किया था, जिसमें उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी स्वर अपनाया और एक संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की संस्थापक थे, जो संस्थापन किए थे उनमें से यह एक थे। इन्हीं व्यक्तित्व के आधार पर हमें चार ऑप्शन दिया है, इसमें से चुनना है वो कौन थे, जी डी कुमार, रामनाथ पुरी, सोहन सिंह भकना और तारकनाथ दास। हमें इसे क्या करना है, जिक्र करना है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने इस डिस्कशन करते हैं। देखिए जिसमें हैं पहले व्यक्तित्व हैं हमारे जो इसकी व्यक्तित्व हैं ये कौन है, तारकनाथ दास, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तारकनाथ दास ये बंगाल के मध्यम वर्गीय फैमिली में क्या हुए थे, जन्म लिए थे, मध्यम वर्गीय मध्यम परिवार, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक है अमीर भी नहीं, तो मध्यम परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये 1884 से लेके 1864 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और 1958 तक ये यानी कि 16 साल ये और ये कितना 74 साल इन्होंने जो यापन किया था। 1884 में इनका जन्म हुआ था तारकनाथ दास का। अब देखिए यह जो 1902, 1905 और 1907 में ढाका अनुशीलन, कलकत्ता अनुशीलन समिति और मिदनापुर अनुशीलन समिति की क्रमशः स्थापना हुई थी, उस उनमें से यह एक थे, उन्होंने भी उस अनुशीलन समितियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था जो चोरी चुपके ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ करती थी, क्या ठीक है, जिनका मतलब यह था खून के बदले खून, आपको याद आ रहा होगा मैं प्रीवियस वीडियो में इसका डिस्कशन किया हूँ। तो ये क्या हुए, उनसे जुड़े रहे, हो सकता है मतलब उन्हीं समितियों ब्रिटिशर्स इन पे, ब्रिटिशर्स की इन पे नज़र पड़ी, इन पे तारकनाथ दास पे,
तो ये तारकनाथ दास अंडरग्राउंड होते हुए या जापान के रास्ते कहाँ चले गए? लंदन चले गए। जापान के रास्ते लंदन चले गए, ठीक है, लंदन में। और फिर वो उन्होंने फिर उसके बाद वहाँ पे अमेरिका में भी गए, वहाँ के पाश्चात्य कंट्री में चले गए, और वहाँ पे जा करके जो जो भारतीय मूल के वहाँ पे लोग रहा करते थे उनके लिए कार्य करने लगे, और वहाँ से ऐसे एक्टिविटी करने लगे जैसे क्या हुए, भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ दंगे हों, मतलब उनके खिलाफ भड़क जाए लोग, क्या हो, भड़क जाए और देश आज़ाद हो, ठीक है। यानी कि विदेशों में रह के इन्होंने करना शुरू कर दिया। वो हमारे महान व्यक्तित्व कौन है? तारकनाथ दास। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो इन्होंने जब यहाँ से गए, यानी कि 16 सितंबर, सॉरी 16 जुलाई 1907 को, ठीक है, ये यहाँ से कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। अमेरिका का एक शहर है सिस्टल, सीएटल, सीएटल, ठीक है। तो अमेरिका में है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट में है, अमेरिका में है। यहाँ पे इन्होंने जा करके एक पहुंचे, फिर यहाँ से वो कहाँ चले गए, मतलब उस समय क्या था ये अमेरिका और कनाडा, ठीक है, तो यानी कनाडा में चले गए, वैंकूवर तट में चले गए। वहाँ पे फ्री हिंदुस्तान नामक एक पत्रिका प्रकाशित किए, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का क्या क्या प्रकाशन किया, फ्री एक पत्रिका का क्या क्या प्रकाशन किया, फ्री हिंदुस्तान। और वहाँ पे एक स्कूल की भी स्थापना की, एक स्कूल की भी स्थापना की है। स्कूल में क्या करते थे ना, यहाँ जो भारतीय मूल के लोग हुआ करते थे, उन्हीं लोगों के लिए एक स्कूल की स्थापना की है। स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाता था, साथ ही साथ जो अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ाया जाता था, और कानून की विधियाँ पढ़ाई जाती थी, कानून के बारे में उनको सिखाया जाता था। इस स्कूल में ही इन्होंने ऐसा किया था। अब आपको मैं बता दूँ, ये गदर पार्टी से भी जुड़े हैं। गदर पार्टी जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी ना, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में ही है। सैन फ्रांसिस्को में जब गदर पार्टी की स्थापना हुई, तो उनमें से यह भी क्या थे, एक थे, इनमें से यह भी एक थे। कौन? तारकनाथ दास। याद रखिएगा, आप क्रोनोलॉजी समझ पा रहे होंगे, जोड़ पा रहे होंगे, ओके। और इन्होंने जब ये आए ना वहाँ से, तो आई थिंक तो 15-16 के आसपास, ठीक है, या उस समय के जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर वहाँ पे एक रेलवे लाइन था जो ब्रिटिशर्स के अंदर में था, बस उस पर ब्रिटिशर्स का उस पर कंट्रोल था। उस नहर, उस स्वेज नहर नहीं, एक रेलवे लाइन था, सॉरी, रेलवे लाइन को क्या किया, उड़ाने का, किसके साथ, जर्मनी के साथ, जर्मनी के सहयोग के साथ उड़ाने का कोशिश किए, हालांकि यह असफल रहे, परंतु इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट था, ओके। तो आशा करता हूँ तारकनाथ दास का जो व्यक्तित्व है इसके बारे में समझे होंगे। हमारे अगले जो व्यक्तित्व हैं, मैं कुछ बताना चाहूँ, जी डी कुमार। जी डी कुमार, जी डी कुमार एक स्वदेश सेवा होम की स्थापना किए थे। दिखाई दे रहा होगा आपको, जी डी कुमार ना, यह उन्होंने क्या किया था, एक स्वदेश सेवा होम की स्थापना की थी, कहाँ पे, वैंकूवर में ही। वैंकूवर एक तट है, बंदरगाह है, किसका, कनाडा का। कनाडा का क्या है, एक तट है जिसका आपको समझ में, आपको समझ पा रहे होंगे, तो उसका क्या है, तट है, वैंकूवर का तट मतलब बंदरगाह है और समुद्री किनारा है जहाँ पे शुरू हो जाता है। उस तट पे वैंकूवर एक जगह है, उस जगह पे ही इन्होंने स्वदेश सेवा गृह की स्थापना किए थे। क्या किए थे, स्वदेश सेवा गृह की स्थापना किए थे, और स्वदेश सेवा गृह की स्थापना किए थे, और स्वदेश सेवक, स्वदेश शिवक नामक एक पत्रिका, किसमें, गुरुमुखी में, किसमें, गुरुमुखी में। गुरुमुखी किसकी है, पंजाबी है ना, पंजाबी की क्या हुई, एक लिपि है, तो गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में इन्होंने क्या किया था, एक पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन किया था। तो पत्रिका का नाम है स्वदेश शिवक, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, दोनों व्यक्तित्व है ना, ये अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत में जो सैनिक है, भारतीय सैनिक है, और जो विदेशों में जो लोग रह रहे थे उनके खिलाफ क्या करते थे, सैनिकों को भड़काते थे, सैनिकों के अंदर राष्ट्रीयता का जोश जगाते थे, ठीक है, उन्हें भड़काने की कोशिश करता कि वो लोग भड़क जाए और किसी के खिलाफ विद्रोह कर दें, किसके खिलाफ क्या कर दें, विद्रोह कर दें। जब उनके हाथ से सैनिक कंट्रोल हट जाएगा तो
आज़ादी के कगार पे काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा भी किया, सैनिकों को भड़काना भड़काना भड़काने का भी कार्य किया। आपको बता दूं, मैं 1910 में 1910 में तारकनाथ दास हैं और जीडी कुमार हैं, तारकनाथ दास और जीडी कुमार दोनों ने मिलकर के एक यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। कहाँ पे की? अमेरिका में, यूनाइटेड इंडिया हाउस की, याद रखना ना, यूनाइटेड यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। कहाँ पे? अमेरिका में स्थापना की। देखिए बाकी सब ऊपर वाले जो एक्टिविटी वैंकूवर तट में हो रहा था, कुछ अमेरिका में भी हो रहा था, परंतु जो इसकी स्थापना हुई, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हुई, इसकी कहाँ पे हुई? यूएस में हुई। कहाँ पे? यूएस में। यस यस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएस भी रहेगा तो भी हम लिख दे रहे, यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना। अब देखिए जो, अब आपका ऐसा करता हूँ, आप समझ गए होंगे। और इन्होंने क्या एक बुक लिखा था, कौन? तारकनाथ दास, तारकनाथ दास, हाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए तारकनाथ दास, ये रहे तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने ना एक बुक लिखे थे, इस बुक का नाम है इंडिया इन द पॉलिटिक्स, इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका बुक का नाम है इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन्होंने इस बुक के माध्यम से ही क्या बोले थे, जो सभी को क्या हो, न्याय की प्राप्ति हो, सभी को न्याय की प्राप्ति हो, स्वतंत्रता सहित विश्व शांति का संकेत दिया था। इसमें जिक्र किया था कि क्या हो, ऐसी स्थापना हो, एक ऐसी विश्व की स्थापना हो जिसमें क्या हो, सबको न्याय मिले, सबको क्या हो, आज़ादी हो। इन्होंने इसका जिक्र किया था, इसके आधार पर इन्होंने इनका व्यक्तित्व निखर करके सामने आया था इसी बुक के माध्यम से। ये बुक है क्या, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस बुक का नाम याद रखना है, इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब देखिए इसमें जो रामनाथ पुरी हैं, उन्होंने सर्कुलर ए आज़ादी की क्या की थी, स्थापना की थी, सर्कुलर ए आज़ादी। इसकी इन्होंने क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। यह निर्वासित जीवन बिता रहे थे, कहाँ पे? देश से, मतलब इनको क्या कहते थे, काल दिया गया था, निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इन्होंने सर्कुलर ए आज़ादी का प्रचार प्रसार किया और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया। स्वदेशी आंदोलन का क्या था, समर्थन किया था। सोहन सिंह भकना ये जो है गदर पार्टी से संबंधित है ना, गदर पार्टी, और यस गदर पार्टी के संस्थापक में से एक है सोहन, याद रखना है। और इन्होंने किसी एक रचना भी की थी, की नाम मैं भूल रहा हूँ, सोहन सिंह भक्त, ठीक है, याद रखना इसे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो हमारे इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, तारकनाथ दास। हमें क्या याद रखना है, इस बुक का नाम याद रखना है, इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जीडी कुमार के बारे में याद रखना है, जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी और स्वदेश सेवक के एक पत्रिका का प्रकाशन किया था गुरुमुख। और जो ये अपने प्रश्न के सही जवाब है, तारकनाथ दास, इन्होंने सीएटल यूएसए में, इसे क्या सदर है सीएटल, सीएटल में क्या थे, फिर हिंदुस्तान नामक एक पत्रिका प्रकाशित किए थे। और 1910 में यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये दोनों व्यक्तित्व कौन, तारकनाथ दास और जीडी कुमार दोनों लोगों ने मिलकर के यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। कहाँ पे? यूएसए में किए थे। और किसके तर्ज भी किए थे, किससे मोटिवेटेड होकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे ना लंदन में, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था, क्या कहते हैं, इंडिया होम रूल की क्या कहते हैं, स्थापना किए थे ना, एक जगह था जहाँ पे लोग आया करते थे और जो युवा वर्ग है उनसे मिला करते थे, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो पास में बड़े महान महान व्यक्तित्व, कथाएं सुनाई बताई जाती थी, उनके बारे में जिक्र किया जाता था, जिससे लोग मोटिवेट होते थे, अपने देश देश के अंदर, उनके अंदर राष्ट्रीयता का उत्पन्न होता, राष्ट्रीयता जगता था। ठीक उसी के आधार पर श्याम जी कृष्ण वर्मा के ही से मोटिवेटेड हो गई इन्होंने, और
तारकनाथ दास और जी डी कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी, कहाँ पे? यूएसए में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, हमारा यह प्रश्न का डिस्कशन, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वर्ल्ड वार टू से संबंधित है, वर्ल्ड वार टू द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत सरकार कांग्रेस या केंद्रीय विधायिका के निर्वाचित सदस्यों से परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गई। यस, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हालांकि इस वीडियो में बारे में बता चुका हूँ। ओके, तो यानी कि बिना परामर्श के, ना परामर्श किए बिना। दूसरा है, कथन है, कांग्रेस प्रारंभ में युद्ध में भारतीयों भारत की भागीदारी से सहमत नहीं, लेकिन बाद में जापानी सेना के भारत की ओर बढ़ने पर ब्रिटेन की युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। हम इसके बारे में पहले समझने का कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इसका 60 डिग्री एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। देखिए 1939 में द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हुआ, ठीक है। इस समय कांग्रेस का क्या थी, बहुमत का सरकार था। 11 प्रांतों में, 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 11 प्रांतों में से 9, मैं कुछ इसका भूमिका बता देता हूँ। 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस बहुमत में थी कई प्रांतों, मतलब मैक्सिमम प्रांतों में। इसमें यह था कि जब द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो उस वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को यहाँ इनसे डिस्कस किए कि जो निर्वाचित सदस्य थे, कहाँ केंद्रीय विधानसभा के साथ साथ प्रांतों में विधानसभा थे, बिना उसके डिस्कशन पे क्या कर दिया गया, भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया, युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया। भारतीयों में यहाँ पे जो नेता थे, बहुत सारे लोगों ने तीव्र विरोध किया। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब इन्होंने क्या किया, देखिए 1939 में जब द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हुआ, इस द्वितीय वर्ल्ड वार में युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो वर्ल्ड वार शुरू बारे में तो थोड़ा सा बता दूं, जो जर्मनी का जो नाजी जर्मनी है, क्या क्या था, ऑस्ट्रिया पे 1938 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया, ऑस्ट्रिया और चेक स्लोवाकिया एक देश है, अभी समय नहीं, शायद है चेक स्लोवाकिया दो देशों पर कर लिया, कब्जा कर लिया 1939 में, क्या इसमें, ठीक है। अभी तक तो फ्रांस और ब्रिटेन सभी क्या थे, खुश थे, वो मतलब चाहते थे कि जर्मनी के साथ डायरेक्ट ऐसे वर्ल्ड वार ना शुरू, अंत ना हो, परंतु इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, पोलैंड पे आक्रमण कर, पोलैंड भी से यूरोप महाद्वीप में पोलैंड पे भी आक्रमण कर दिया। उसके बाद इन्होंने अब पोलैंड के बचाव में फ्रांस के साथ साथ इंग्लैंड को भी उतरना पड़ा, युद्ध में उतरना पड़ा और युद्धरत राष्ट्र को, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझे होंगे आप। अब देखिए जो उस समय के तत्कालीन भारत में जो तत्कालीन वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथ गो थे, लॉर्ड लिनलिथ गो थे, ओके। जब द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो इन्होंने भारतीयों से बिना परामर्श के ही भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, मतलब अब भारत भी इस युद्ध में शामिल हो चुका है। हालांकि उसमें भारत क्या था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, हमारी यहाँ पे मतलब क्या थे, बोलते थे सुवर्ण कंट्री, तो हम थे नहीं कि हमारी अपनी इच्छा हो कि हम खुद की इच्छा के आधार पर किसको समर्थन करके किसको ना करें, परंतु यहाँ की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के आम जनता थी, वह जो जर्मनी ने जो किया था, अन्य देशों वहाँ के गणतंत्र थे, सभी देशों के साथ सहानुभूति व्यक्त की, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट वार में नहीं घुसा, डायरेक्ट वार में नहीं उतरने का इच्छा थी, क्योंकि इच्छा यह थी कि पहले भारत हमें क्या करे, स्वाधीन दे, क्या करे, स्वाधीन घोषित करे, अपना अधिकार दे, उसके बाद भारत अपने अपनी इच्छा से क्या करना है
हमें युद्ध में भाग लेना है या नहीं लेना है, किसका साथ देना है, हम स्वयं निर्णय करेंगे। यह ब्रिटेन नहीं करेगा। हम एक गुलाम कंट्री थे उस समय, तो हम एक गुलाम कंट्री की वजह से हम कैसे यह निर्णय कर सकते हैं कि किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उन्होंने ऐसा ब्रिटेन के सामने शर्त रखा कि हमें क्या, पहले पहले स्वाधीन घोषित किया जाए, तब फिर हम निर्णय करेंगे कि युद्ध में हमें भाग लेना है या नहीं लेना है। तो परंतु ब्रिटिशर्स इस पर राजी नहीं हुए, इसके बाद इधर से पूर्व से जापान भी क्या करता, भारत की तरफ बढ़ रहा था, म्यांमार के रास्ते उधर म्यांमार, फिर चीन चाइना होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए तो भारत में भी इधर बढ़ रहा था। अब उनका भी डर था कि कहीं वो कर लेंगे तो फिर हम ब्रिटेन का तो कॉलोनी है ही है, फिर उनका भी कॉलोनी बन जाएंगे, आधा इधर हो जाएंगे, उससे भारत टुकड़ों में बढ़ जाता। फिर इसका उधर भी जिक्र था, हालांकि सुभाष चंद्र बोस जापान के सहयोग से उसके खिलाफ लड़ रहे थे म्यांमार में, अभी लड़ नहीं रहे थे, अभी 1944 के आसपास आएंगे। तो जापान का भी डर था कहीं वो जीत गया तो और दिक्कत हो जाएगा। तो फिर गांधी जी ने कहा कि अब हम साथ क्या करेंगे, अब इनके साथ जो हमारा जुड़ाव है, जो तालमेल है, यानी कि जो सभी ने अवज्ञा कर रहे हैं, उसके आधार पे हम अपने देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, हम खुद निर्णय नहीं ले पाएंगे। तब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने से पहले कांग्रेस ने क्या किया, 28 माह तक चले जो प्रांतों में जो सरकार थी, चुनी सरकार थी, 28 माह तक चले सामूहिक रूप से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया इसके विरोध में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। इसी के विरोध में कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। ये याद रखिएगा, माह तक चली थी 28 माह तक चली सरकार ने क्या किया, सामूहिक रूप से उसे इस्तीफा दे दिया ना, सामूहिक रूप से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और 16 अक्टूबर 1947, ये याद रखना है, 16 अक्टूबर 1947 को जो उस समय की मुस्लिम लीग थी ना, आलम जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, उसी समय मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया, मुक्ति दिवस, ये याद रखना ना। देखिए मैं अपना इसी के इर्द गिर्द माने अपने जो प्रश्न का जो डिस्कशन है, तो 19 वर्ल्ड वार दूध शुरू हुआ था, वो उसको अब भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं उसी को मैं डिस्कस करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। हालांकि अब इसमें भारत पे डर, जापान के विजय का भी डर था, इसके मद्देनज़र अब भारत में अब ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटिशर्स हमारे जो मांगे थे उसके सामने झुक नहीं रहे थे, वो तो अपने ही लगे रहते। और साथ ही साथ अब वो लोग क्या किए, जो भारत की राज्य हुआ करते थे ना, राजवाड़े हुआ करते थे, उनको साथ साथ जो धार्मिक आंदोलन धार्मिक उसे कट्टर थे वे भड़काने लगे, कांग्रेस के खिलाफ भड़काने लगे। कांग्रेस के क्या हुआ, दबाव बने, कांग्रेस को दबाव बनाने के लिए इनको भी भड़काने लगे। इस आधार पर अब सब देखते रहे, कांग्रेस भी देखते रहा, गांधी जी भी देखते रहे। भी गांधी जी ने कहा अब नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा। हालांकि उससे पहले जेल भरने वाला काम तो आएगा भारत छोड़ो आंदोलन में, इससे पहले उन्होंने एक व्यक्तिगत आंदोलन चलाया, बोला कि हमें व्यक्तिगत रूप से हमें आज़ादी होना चाहिए, हम क्या करेंगे या हम डिसाइड करेंगे। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाला, भारत विदेशों में वहाँ पे दूसरे के देशों में दूसरे के इंटरेस्ट में ऐसे युद्ध में शामिल हो सकता है। इसी सब के विरोध में उन्होंने क्या कहा था, व्यक्तिगत आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन को हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, व्यक्तिगत आंदोलन में हम यहाँ पे लिख देते हैं। व्यक्तिगत आंदोलन, देखिए व्यक्तिगत आंदोलन में जो इसमें जो चुने गए थे ना, कुछ चुने हुए नेता थे, कुछ क्षेत्र से विशेष क्षेत्र में चुने गए नेता थे, सारे नेता को 200 से अधिक नेता को चुना गया। वो लोग नेता लोग अपने क्षेत्र जाते थे, वहाँ पे एक सभा होती थी और वहाँ के जो डीएम होते थे उनसे पहले मतलब पहले लेते थे, डेट फिक्स करते थे और वहाँ पे एक जगह फिक्स करते थे, उसी जगह पे जा करके भाषण दिया करते थे और लोगों को इसके बारे में अवगत कराते थे कि ने हमें युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया है, हमारी अब हमें आज़ादी चाहिए, हम अपनी इच्छा से हम करेंगे। तो इन्हीं आंदोलन को शुरू करने के लिए उन्होंने प्रथम सत्याग्रही चुना था, विनोबा भावे को चुना, याद रखना ही, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना था। और वो अपने क्षेत्र कहाँ पे, वायनाड,
कहाँ पे बताओ? पवनार, पवनार कहाँ पे? पवनार, विनोबा कहाँ पे? पवनार, पवनार में उन्होंने क्या किया था? अपना ये सत्या सॉरी व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत की थी, चलाया था व्यक्तिगत आंदोलन कहाँ पे? पवनार, ये महाराष्ट्र में है ना। अच्छा, इसको दिल्ली चलो नारा भी, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, दिल्ली आंदोलन भी कहते हैं व्यक्तिगत आंदोलन को। अच्छा, ये प्रथम प्रथम सत्या प्रथम ये सत्याग्रह तो बिनो सॉरी सत्याग्रह नहीं, व्यक्तिगत आंदोलन में या विनोबा भावे हो गए, परंतु दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे कौन थे? नेहरू जी थे ना, दूसरे नेहरू जी थे। ये हो गया व्यक्तिगत आंदोलन के संदर्भ में बातें, और अन्य भी आएंगे इसके आगे, ठीक है। अब देखिए, अभी भी अब जो ब्रिटिशर्स थे, भारतीयों की मांग थी, उसके सामने झुक नहीं रहते, परंतु इसके बाद गांधी जी ने कहा कि क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को जापान अभी भी लगातार साउथ पूर्व एशिया होते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था, भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब भारत में अब जो यहाँ के नेता थे वो अब चिंतित हो गए, अब उन्हें मजबूरी में आके ब्रिटेन का भी साथ देना पड़ेगा, देश को बचाना है। साथ साथ अब वो बुरी तरह से फंस जा रहे थे, अब देश को भी विश्व को भी दिखाना है कि भारत इस शामिल नहीं है, भ्रष्ट राष्ट्र नहीं है, यहाँ की जो जनता है इस युद्ध में कोई कोई मतलब भागीदारी नहीं है। इस आधार पर उन्होंने कहा, अब जेल भरने से काम नहीं, जेल भरने से काम नहीं चले, देश के हर व्यक्ति को अपने अपने इच्छा अनुसार आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और आगे आकर कोई जरूरी नहीं कि शीर्ष नेता ही हो, शामिल हो, शीर्ष नेता हो तभी आप आंदोलन में शामिल होंगे, इसका इन्होंने। और फिर 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, एक कमेटी क्या हुई, बैठक हुई। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक में बैठक हुई, और गांधी जी द्वारा निर्मित एक प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब हमें ये उप इस ये कुछ नहीं चाहिए, स्वराज कुछ नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम पूर्ण व्यक्तिगत पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पे ही किसी भी चीज में शामिल होंगे। तो क्या शामिल किया? भारत छोड़ो। तेरा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया किसने? गांधी जी, कांग्रेस ने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। इस आधार पे 1942 में भारत किया गया। चलिए, हम जो ये अभी तक डिस्कशन किए हैं, डिस्कशन के आधार पे हम अपने प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कितना सही पता है। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटिश शासन के अधीन भारत सरकार कांग्रेस केंद्रीय विधायिका के निर्वाचित सदस्यों से परामर्श किए बिना इस युद्ध में शामिल हो गई, शामिल कर दिया गया, जबरदस्ती शामिल कर दिया, जबरदस्ती शामिल कर दिया गया, ठीक है, जबरदस्ती शामिल कर दिया गया, तो पहला सही है। दूसरा, कांग्रेस प्रारंभ में युद्ध में भारत की भागीदारी से सहमत नहीं थी, कांग्रेस प्रारंभ में भागीदारी से सहमत, लेकिन बाद में जापानी सेना के भारत की ओर बढ़ने और ब्रिटेन की युद्ध पैसों का समर्थन किया। तो देखा है ना, समर्थन नहीं किया, व्यक्तिगत आंदोलन चलाया और इसी के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले दो तो प्रस्ताव आए थे, कौन आया था? इस मिशन आया था ना, मिशन भी आया था। उन दोनों प्रस्ताव में भारत की स्वतंत्रता का जिक्र नहीं की गई, बोले गया कि ब्रिटेन जब जीत जाएगा तो उसके बाद एक एक क्या किया जाएगा, एक उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा भारत, इसका जिक्र था, परंतु उसका भी कोई मेंशन नहीं था किस डेट को किया जाएगा, कोई दिन नहीं था। तो इसीलिए ये दोनों विफल हो गया, जैसे मुस्लिम लीग के साथ साथ जो ये कांग्रेस थी, इसने भी इसी का कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, और फिर उसी के विरोध में किया गया था ना, इस आधार पर उन्होंने सहमति तो नहीं व्यक्त की, समर्थन नहीं दिया कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस आधार पर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ये। सही जवाब हो जाएगा,
दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा केवल एक, केवल एक। आशा करता हूँ आप हमारे इस डिस्कशन को समझे होंगे। हमें याद क्या रखना, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे उस समय के वायसराय थे। ओके, इसी समय क्रिप्स मिशन आया था, पहले अगस्त प्रस्ताव आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, फिर दिखाएंगे ना इसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा। दूसरा प्रस्ताव था लॉर्ड माउंटबेटन से पहले भी एक प्रस्ताव आया था, ठीक है, उस प्रस्ताव का मैं नाम भूल रहा हूँ, कौन सा था भूल रहा हूँ उसका, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने प्रश्न पे, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ इसी समझे होंगे आप। देखिए गिरा, बॉम्बे घोषणा पत्र 1936, बॉम्बे है घोषणा पत्र 1936 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही कथन है। यह देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए बड़े उद्योगपतियों के एक वर्ग द्वारा तैयार किया गया एक संयुक्त प्रस्ताव था। यह इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक पहल थी। यह नेहरू के समाजवादी आदर्शों के प्रचार प्रचार का खुला अभियोग था। यह 1936-37 के प्रांतीय चुनाव के लिए कांग्रेसी का चुनावी पत्र था। इसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इसके बारे में फिर से हमेशा की तरह पहले तथ्यों को जानेंगे, फिर उस तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ हम अपना रिवाइज भी करते रहेंगे। देखिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। बॉम्बे घोषणा पत्र जो 1936 का था, इसके संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे कि जो इसके बारे में पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए 1930 में, कब 1930 में, ध्यान से देखिएगा 1930 में, जो पूंजीपति थे, पूंजीपति थे उस समय उद्योगपति थे, उद्योग धंधे भारत में लगे हुए थे, उन्होंने अपने मुख्य हित में, ठीक है, उन्होंने अपने मुख्य हित में एक यह प्रस्ताव, ठीक है, बॉम्बे घोषणा पत्र को कांग्रेस के समक्ष रखा था 1936 में। इसमें उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस कांग्रेस में उसमें नेहरू की एक पत एक क्या थे, एक समाजवादी आदर्श था कि मतलब देश की संपत्ति पे क्या हो, जो आधुनिक राजकुमार है, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे प्राचीन काल, प्राचीन समय से पहले, तो जो आधुनिक राजकुमार है, जो उद्योगपतियों में जो गांधी जी का ट्रस्टशिप सिद्धांत था ना, कि उद्योगपति जब अपना उद्योग बढ़ाएंगे तो कमाएंगे, फिर जब उसी उद्योग को और सामूहिक कार्यों में और अन्य कार्यों में उसमें से अपने पैसे लगाएंगे तो उसे जनता के पास पैसा आएगा, रिस रिस के ऐसे पैसा आएगा, जो ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत था उसको नकारते हुए उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया था, एक अपना खुद का क्या किए थे, समाजवादी आदर्श रखे थे कि देश की संपत्ति पे सबका बराबर का अधिकार होगा, ठीक है, उसमें कोई आधुनिक राजकुमार नहीं होगा जो उद्योगपति से संबंधित हो, ठीक है, तो कोई आधुनिक राजकुमार नहीं होगा, जैसे समझे आप समझ पा रहे होंगे, तो इसी का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, कोई मतलब ऐसा राजकुमार ना हो, सब कोई क्या हो, बराबर का अधिकार हो। इससे पहले 1929 में, पहले ही 1927-28 में जो जवाहरलाल नेहरू है ये रशिया में भी गए थे, वहाँ के समाजवाद से प्रभावित होकर के यहाँ पे आए, जब तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि किसी का राग अलापा कि सब पे सबका बराबर अधिकार हो, जैसे एक खरबूजा कटेगा और बराबर बराबर सभी को बंटेगा, कुछ इसी सिद्धांत पे, समाजवाद पे उन्होंने इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। तो इसका जो उसमें के उद्योगपति थे, जैसे टाटा हो गए, बिरला जी हो गए, और भी बहुत सारे उद्योगपति थे, ठीक है, उन लोगों ने, उन लोगों को थोड़ा सा इस पे अब दुख हुआ कि जैसे कि अब हालांकि देश के विकास के लिए आपको जान के हैरानी होगी कि 1991 में, 1991-92 में यूएसएसआर, संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक कौन थे, आज का जो रसिया है वो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, तो उसका विखंडन हो गया था, 15 देशों में टूटा था, बिकॉज ऑफ ये इसी 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 नीति के कारण, सब पर एकदम बराबर बराबर अधिकार होगा। हालांकि उसका जो शुरुआत था तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आगे चलकर वो क्या हुआ, टूट गया, 15 देशों में टूट गया, बस उसी का कुछ 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 इसका भी यह नतीजा था। तो इसका उद्योगपतियों को इसका बहुत टेंशन हुआ, उनके उद्योग धंधों पे क्या होगा, पतन के कगार पे चले गए, चल चलते जा रहे थे, उससे क्या होता, पतन भी हो रहा था, देश में विकास में वो भागीदारी नहीं निभा पाते थे, ठीक है, हालांकि वो भी टैक्स पेयर थे, वो भी देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उस समय भी निभाते थे और आज भी निभाते हैं। अब टाटा, टाटा का नाम सुनते ही आपके अंदर एक टाटा ब्रांड के नाम आ जाता है कि टाटा, ठीक है, जो देश में इतना सामाजिक कार्य करते हैं, स्कूल खोलते हैं, ओके, इतना पैसे डोनेट करते हैं कोई, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो उस तरह के बॉम्बे घोषणा पत्र भी उद्योगपतियों द्वारा ही लाया गया था 1930 में। उद्योगपतियों ने क्या किया,
उसमें की जो कम कांग्रेस में जो जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा थी समाजवादी, उसके विरुद्ध थी यह उन लोग थे। उन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस को है ना सांविधानिक राजनीति के दायरे में ही रहना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को ऐसा सुझाव दिया कि वो अपने कांग्रेस अपने संवैधानिक राजनीतिक दायरे में ही रहे, और अगर जरूरत पड़ी तो ये लोग कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे और उसके समाजवादी आदर्शों को तोड़ेंगे तोड़ेंगे ठीक है, यानी कि कौन ये उद्योगपति, वो लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे और उसके आंतरिक राजनीति में भी हस्तक्षेप करेंगे। इसी सिलसिले में 1936 में जो उस समय के बॉम्बे घोषणा पत्र को प्रकाश जारी किया गया, उसमें 21 व्यापारियों ने हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव को कांग्रेस के समक्ष रखा 1936 में, बॉम्बे घोषणा पत्र। ये याद रखिएगा, बॉम्बे घोषणा पत्र और कई और जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, क्रिप्स मिशन, वावेल योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ठीक है, ऐसी बहुत सारी योजना दे देगा, उसमें ऐसे क्रम से लगाने के लिए पूछ लेगा, क्रमानुसार इसको लगाइए, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि 1936 में आया था बॉम्बे घोषणा पत्र, बॉम्बे ठीक है, बॉम्बे घोषणा पत्र, आप ये याद रखिएगा, बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 में आया था, जिसमें टाटा भी थे उन्हीं के नेतृत्व में, और 21 व्यापारियों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। यह जो जो जवाहरलाल नेहरू की जो आदर्श समाजवादी आदर्श था उसके विरुद्ध था, ओके। उसमें उन्होंने एक सुझाव दिया था, हालांकि टाटा के नेतृत्व में जो ये किया गया था, बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन के बहुत सारे प्रतिनिधियों ने इस पे सिग्नेचर किया था। मैं लिख दे रहा हूँ, बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन, इसके बहुत सारे प्रतिनिधियों ने इस पे क्या किया था, सिग्नेचर किया था। अब देखिए, जब यह प्रस्ताव आया तो इससे जो उसमें, हालांकि जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा गर्म दल से थे, ओके, और गर्म दल से थे और नरम दल जो थे, अब नरम दल उसमें थोड़ा कमजोर पड़ते जा रहे थे, देश में राष्ट्रीयता था और केंद्र बिंदु राष्ट्रीयता भी बढ़ती जा रही थी, तो नरम दल को क्या मिला, एक पॉइंट मिल गया। उन्होंने इसी के आधार पर अब गर्म दल को थोड़ा सा क्या बोलेंगे आलोचना शुरू कर दिए थे, जिसमें कौन थे, नरमपंथी भूला भाई देसाई, जीबी पंत आदि ने इस पर क्या किया, कांग्रेस का क्या किया, आलोचना किया, ठीक है। तो अब फिर इसी संदर्भ में 1937 में क्या हुआ, आम चुनाव हुआ, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, 1937 में, इससे पहले मैं बहुत प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। हालांकि 1937 में आम चुनाव हुआ, 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, उसको वो हमारा अलग का टॉपिक है, हम आते हैं अपने प्रश्न पे। 1937 में जो कांग्रेस जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में, चुनाव के बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की, और 1938 में ही जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति की गठन किया, जो इनको अलग से पहले ही क्या मिल चुका, बॉम्बे घोषणा पत्र मिल चुका था, तो उस समिति का गठन किया, और राष्ट्रीय योजना समिति कब आई थी, 1938 में, कब, राष्ट्रीय योजना समिति, ठीक है, याद रखना इसे, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इसका जो समिति था, इस पे बॉम्बे घोषणा पत्र का बहुत ही प्रभाव था। इसने यह इसका समिति का गठन करने का उद्देश्य यह था कि आज़ादी के बाद देश का भविष्य कैसा होगा, मतलब उद्योग धंधे कैसे यहाँ पे, देश की गरीबी को कैसे समाप्त किया जाएगा, उद्योग धंधों का उसमें क्या योगदान रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, विकास कार्य कैसे किए जाएंगे, इन सभी पे क्या करना था, डिस्कस करना था। साइंस और स्पेस में, और भी किस तरह से चिकित्सा में, किस तरह से देश का भविष्य होगा, इन्हीं सब का एक रूपरेखा तैयार करने के लिए, विचार कर विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसमें बॉम्बे मिल ऑनर्स एसोसिएशन का भी क्या हुआ, प्रभाव रहा। देखिए, जो ये बॉम्बे घोषणा पत्र आया था, यह जो जवाहरलाल नेहरू के नेहरू जी के आदर्शों के प्रचार का क्या था, खुला अभियोग था, उस पर खुला क्या करता था, विरोध करता, ओके। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, जो हमारा ये डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन के आधार पे हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करना कोशिश करते हैं। देखिए,
घोषणा पत्र 1936 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह देश में नियोजित एक अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक बड़े उद्योगपतियों की एक वर्ग द्वारा तैयार किया गया एक संयुक्त प्रस्ताव था। इसमें सही हमें क्या चुना? सही है स्थापना के लिए। स्थापना के लिए नहीं था, हमने डिस्कशन किया ना, वो गांधी जो जवाहरलाल नेहरू का, तो उसके प्रस्ताव के विरुद्ध था, जो समाजवादी के विरुद्ध था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कौन? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक पहल थी, हमने इसका डिस्कशन किया ही नहीं है। ओके, यह नेहरू समाजवादी आदर्शों के प्रचार का खुला अभियोग था। यस, खुला अभियोग था किसके? नेहरू के जो समाजवादी आदर्श थे उसी के विरुद्ध था। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और 1936-37 के प्रांतीय चुनाव के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र था। नो, ये तो गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके बारे में हम कुछ पहले भी डिस्कशन किए हैं, इसमें फिर से करेंगे, दोबारा फिर से रिवाइज हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंदोलन शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों से आरंभ हुआ और बाद में देश के शहरी केंद्रों में फैल गया। तामलुक, बलिया, सतारा जैसे विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी। सरकार आंदोलन को कुचलने, उसे समाप्त करने में सफल रही। आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक झड़पों का पूर्ण अभाव था। हम इसके बारे में पहले 360 डिग्री, इतना याद है ना, 360 डिग्री एक बिंद हो गया, इसे एक बिंद हो गया, इसमें कितना डिग्री बना? 360 डिग्री पूरा क्या करेंगे, पहले जिक्र करने का, पहले उसका क्या करेंगे, उसकी तथ्यों को जानेंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्न को उन तथ्यों के आधार पर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में 1942 के हम इसमें इसका डिस्कशन करना चाहेंगे। इससे पहले मैं अपने आप को हाइड करना चाहूँगा, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लिखना होगा। हम इस प्रश्न के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में एकदम सब कुछ तथ्यों को जानने का कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा लिखने का मुझे स्पेस मिल जाए। चलिए लिखते हैं। देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इससे पहले भारत में क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन क्या आया था? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया था, लेकिन उसमें किसी डेट का मेंशन नहीं था, किसी डेट का मेंशन नहीं था कि कब तक दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा। तो इस आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। और जो पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान की मांग की थी, उसको इसको इसमें किसी जिक्र ही नहीं किया गया, कोई जिक्र ही नहीं किया गया, तो इसलिए इस आधार पे भी मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार कर दिया। ओके, तो आप समझिएगा इसका एक बेस यहाँ से बन रहा है। इससे पहले व्यक्तिगत आंदोलन भी चला था, और व्यक्तिगत आंदोलन चला था, साथ ही ब्रिटेन ने भारत को एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था, जिसमें द्वितीय वर्ल्ड वार में, मैंने ऊपर वाले वीडियो में इसका डिस्कशन किया है, ठीक है, वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो उसमें वो भी क्या कर दिया गया था, युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। अब हालांकि उसमें भारत ने कहा था कि हमें एक किसका दर्जा दिया जाए, स्वाधीन घोषित किया जाए, हम अपने क्या हों, स्वतंत्र हों, हम अपने अपने देश विदेश में जो भी हमें निर्णय लेना है हम खुद निर्णय लें, कि हमें किस युद्ध में भाग लेना है, किस में भाग नहीं लेना है, किसका साथ देना है, किसका नहीं साथ देना है। हम एक 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 गुलाम के रूप में कैसे इस डिस्कशन कर सकते, कैसे भाग ले सकते हैं, किस आधार पर ले सकते हैं। और उसमें जो वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो निर्वाचित सदस्य थे केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा में, और केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभा में, उनसे डिस्कशन नहीं किया गया था। यहाँ के जो नेताएं थे, शीर्ष नेता थे, उनसे भी डिस्कशन नहीं किया गया था। इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि इसका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला किया कब? 1942 में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें जेल भरने से क्या होगा, हम इसका अभी डिस्कशन करेंगे। हम पहले 1942 के संदर्भ में बात कर लेते हैं। देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता हो गई। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई। वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें दोस्तों हम इस प्रश्न को बाद में सॉल्व करेंगे,
ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज किसी कारणवश मुझे यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। हम आशा करता हूँ आप इस जो वीडियो लेक्चर था इसको एंजॉय किए होंगे, और जो ये मैं प्रश्न को भी सॉल्व कराने जा रहा था ना, इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेशन में दीजिएगा। आप यहाँ तक देखे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप इन वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, और आपका उपनयन संस्कार भी हो गया होगा। उपनयन संस्कार भी हो गया, हमारे उपनयन संस्कार का मतलब है डिजिटल उपनयन संस्कार। आज पता है ना ये हमारे चैनल का नाम क्या है, सत्येंद्र का गुरुकुल। गुरुकुल, जब गुरुकुल में जाना है तो उससे पहले उपनयन संस्कार करा के जाना है, उपनयन संस्कार करा के जाना है, ठीक। जब उपनयन संस्कार आपका हो गया है तो ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो किए होंगे, तभी तो उपनयन संस्कार हुआ होगा। तो फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।